गाइस फोटोशॉप कौन नहीं चलाना चाहता, मैं चाहता हूँ, आप चाहते हैं, बट उसमें एक लिमिटेशन आता है जो कि गाइस मेरे साथ भी होता है और वो है मोबाइल। यस, अब मोबाइल में फोटोशॉप चलाने का सोच भी नहीं सकते हो, बट गाइस डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आप फोटोशॉप कम्प्लीटली यूज कर पाओगे अपने मोबाइल फ़ोन में विदाउट एनी प्रॉब्लम और फ्री में। गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना लैग का इशू, ना कोई और चीज़। तो चलिए कैसे करना सब कुछ बताने वाला, बस आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अभी आपको सिंपली क्या करना है, अभी आपको सिंपली आना है क्रोम पे, देन यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है फोटो, फोटो पे। अब गाइस मैंने सर्च कर लिया, फर्स्ट में जो आपको वेबसाइट मिल रहा है सिंपली उसको क्लिक कर देना आपको एंड एंटर कर जाना है। अब एंटर करने बाद कुछ ऐसे यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में गाइस यहाँ पर देख लो कुछ ऐसा प्रीव्यू है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे फर्स्ट में ही, बट आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है, यहाँ नीचे आपको अपना फाइल दिख जाएगा, कैमरा भी और फाइल भी। तो फाइल पर क्लिक करना है कोई भी फोटो इंपोर्ट करने के लिए। अब मैंने अपना फोटो एक ले लिया गाइस, यहाँ पर इंपोर्ट भी हो चुका है। अभी देख लो गाइस प्रीव्यू कैसा है, बहुत ही खतरनाक, मतलब ऑल टूल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो भी फोटोशॉप में होता है, सब कुछ यहाँ है, आप एक बार देख लो। तो गाइस मैं यहाँ पर ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं करूँगा, बट आपको सारा टूल्स एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, तो मैं दिखाता हूँ अभी। तो फर्स्ट गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिलेक्शन का, मतलब मूव कहीं भी मूवमेंट करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना है फोटो को, तो ये चीज़ है। यहाँ से आपको मिलता है गाइस सिलेक्शन टूल, तो कुछ ऐसे ऐसे सिलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, रेक्टेंगल सिलेक्शन, और ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपको पता होगा सिलेक्शन करते टाइम मैग्नेटिक सिलेक्शन कितना अच्छे से काम करता है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है गाइस, बस आपको साइड साइड में चलाना है ब्रश को, ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करके और अच्छे सिलेक्शन कर देता है। तो गाइस ऐसा सिलेक्शन टूल्स कोई भी अभी मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं है, बट इसमें आप चला सकते हो। अभी गाइस नीचे आते हैं मैजिक टूल पे, तो यहाँ पर मैजिक वन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, तो कुछ ऐसे चीज़ें भी है गाइस, तो मैं अभी कुछ करके भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर सिंपली मैं आता हूँ क्विक सिलेक्शन में आता हूँ, ऐसे भी आप सिलेक्ट करवा सकते हो, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो अभी गाइस नीचे आता है क्रॉप टूल, तो क्रॉप यहाँ पर आपको मिलता है, क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप, स्लाइस क्रॉप एंड स्लाइस सिलेक्टेड क्रॉप है, तो कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर क्रॉप का भी मिलता है। देन यहाँ पर आपको आई ड्रॉपर मिलता है गाइस, कलर सैम्पलर मिलता है और रूलर मिलता है। तो आप फोटोशॉप चलाना चाहते हो तो यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अभी गाइस नीचे इरेजर का ऑप्शन, यहाँ पर स्पॉट हील ब्रश टूल, यहाँ पर हीलिंग ब्रश है, मैजिक रिप्लेस, तो गाइस मैजिक रिप्लेस पैच टूल है, यहाँ पर कॉन्टेंट अवेयर मोव टूल, तो कुछ ऐसे है रेड आई टूल, गाइस देख लो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रश मिलता है, तो ब्रश में क्या क्या है मैं दिखा रहा हूँ। तो ब्रश में यहाँ पर ब्रश टूल मिलता है, पेंसिल टूल मिलता है, कलर रिप्लेसमेंट टूल मिलता है, तो मैं इसे बाद में दिखाऊंगा। अभी मान लो मैंने कुछ यहाँ पर प्रोसेस कर लिया, तो इसको रीडू अंडू कहाँ से करना है वो भी दिखा रहा हूँ। तो सिंपली एडिट पर आना है, देर गाइस यहाँ पर आप देख लो अंडू एंड रीडू, तो स्टेप बैकवर्ड में कर देता हूँ अभी। तो गाइस देख लो यहाँ पर सारा प्रोसेस मेरा जो है हट चुका है अभी। अब यहाँ से आते गाइस यहाँ स्टाम्प टूल पर, देख लो यहाँ पर कुछ यहाँ पर काम होता है, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है। इरेजर पर आता गया, तो यहाँ पर इरेजर टूल है, देख लो इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर है, मैजिक इरेजर है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अभी मैजिक इरेजर का यूज़ करके क्या करता है, ये देख लो गाइस, मतलब समझ रहे हो, देख लो ये सब चीज़ें कर सकते हो गाइस, मैंने अभी तक देखा भी नहीं था, देख लो, मतलब इतना ईजी हो गया बैकग्राउंड को इरेज करना, समझ रहे हो। आप भी ऐसे इरेज कर सकते हो गाइस, बस एक क्लिक में करता जा रहा हूँ और वो सिलेक्शन को हटाता जा रहा है, बाकी बात जो थोड़ा मोड़ा बचेगा उसको मैं आराम से मैनुअली कर सकता हूँ बहुत ही कम टाइम में। तो गाइस देख लो यहाँ पर, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा काम का लगा, आपको भी लगा होगा। और इस क्वालिटी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने वाला, बिल्कुल भी टेंशन छोड़ ही दो, क्वालिटी का कुछ नहीं होने वाला प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ से अंडू कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी करना नहीं है इरेज, मैं बस आपको दिखा रहा था, अभी मैं आपको सब कुछ एडिट करके दिखाऊंगा। अभी मैं आता गाइस यहाँ पर फिर से, यहाँ पर है ग्रेडियंट टूल है, पेन टूल है, बकेट टूल, देन गाइस यहाँ पर आपको ब्लर टूल मिलता है, ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल, एंड यहाँ पर आपको जूम एंड जूम आउट का मिलता है, टेक्स्ट का भी मिल जाता है गाइस यहाँ। तो गाइस यहाँ पेन टूल भी मिलता है, देन यहाँ से कुछ और भी है, पाथ सिलेक्शन टूल, और यहाँ से आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल, मतलब यहाँ से शेप ले सकते हो, यहाँ से आप मूवमेंट कर सकते हो अपने फोटो में, देख लो हैंड के थ्रू। तो गाइस सब कुछ टूल आपको मिल ही जाता है, मतलब आपने देख लिया, यहाँ पर आपके सामने मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके दिखाया। तो गाइस फोटोशॉप का सारा टूल्स यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, देख रहे हैं आप। देन नीचे यहाँ पर आपको कलर वगैरह और भी कुछ मिलता है, तो आप उसको देख लेना। देन गाइस यहाँ पर लेफ्ट साइड में, देन गाइस यहाँ राइट साइड में आपको ऑल लेयर्स का और उसका सेटिंग्स मिल जाएगा, तो मैं दिखाता हूँ अभी। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देख लो गाइस यहाँ लेयर्स हमारा मिल जाएगा, चैनल्स है, उसका पाथ्स है,
अब गाइस यहाँ पर आपको अपना जो लेयर्स वगैरह कॉपी करना है, सिंपली आपको यहाँ पर होल्ड करना है, नीचे की ओर लाना है और यहाँ क्लिक कर देना है। देख लो गाइस कॉपी हो गया। अभी गाइस मैं दिखाता हूँ इस पर कलर ग्रेडिंग वगैरह करके, एडिटिंग करके। यहाँ पर देख लो बहुत ही सारे यहाँ फाइल्स में आपको यहाँ पर ओपन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब पर मिल जाएगा ऑप्शन। एडिट में गाइस यहाँ पर नीचे देख लो, यहाँ पर पहला तो अंडू रीडू है, कॉपी पेस्ट है, देन फिल स्ट्रोक, यहाँ पर कॉन्टेंट वर्स स्केल, पपेट वार्प, फिर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये सब चीज़ें डिफाइन न्यू। देन इमेज पर आने के बाद यहाँ पर सारा आपको एडिटिंग टूल्स मिल जाएंगे देख लो यहाँ पर गाइस। तो मैं ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ नहीं भी, मैं सिंपली आपको कुछ टूल्स करके दिखाऊंगा। एडिट एडजस्टमेंट पर आना है, एडजस्टमेंट पर सब कुछ आपको मिल जाएगा देख लो, एक के बाद एक टूल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको जो चाहिए एडिट कर सकते हो। मैं आता हूँ सिंपली ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पर, मैं कुछ एडिटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही अच्छा एडिट करके दिखाऊंगा क्योंकि टाइम लगता है करने में, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी गाइस कुछ ऐसे आप ब्राइटनेस एंड इसका कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो बैलेंस। फिर से इमेज पर आऊँगा, एडजस्ट पर आऊँगा, लेवल पर आता हूँ, इसको गाइस नीचे मूव भी कर सकते हो आप, तो इसका लेवल आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो देख लो। इसका चैनल भी सिलेक्ट कर सकते हो, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो आप ये सब देख लेना अपना। अब आते फिर से इमेज पर, एडजस्ट पर, और कैसे मेन चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर आपको, वाइब्रेंस, यू सेचुरेशन, कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस, फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सर, यहाँ पर बहुत ही सारे मिलते हैं, कलर लुकअप। तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा ह्यू एंड सेचुरेशन पर। कैसे ही टूल ज़्यादा यूज करता है फोटो पे में ज़्यादा लोग, अभी मैं दिखाता हूँ इसका काम क्या है। मैं सिंपली यहाँ पर फोटो अपना ले आया। अभी गाइस मैं क्या करूँगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना मुझे, सिंपली यहाँ पर आऊँगा मैं मास्टर पर, और कौन सा कलर आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है, मान लो मेरे यहाँ पर ग्रीन है तो मैं ग्रीन को सेलेक्ट करूँगा, ग्रीन मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप नीचे देख लो यहाँ पर गाइस, जहाँ मैं यहाँ डॉट आपको दिख रहा है वहाँ पर सिलेक्शन दिया, कहाँ से कहाँ तक का आपको सिलेक्शन देना है ग्रीन कलर में, या फिर आप पूरा दे सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ इसका काम क्या है। अभी गाइस देख लो मेरा बैकग्राउंड यहाँ ग्रीन टाइप का लग रहा है, मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा। गाइस आपको दिख रहा है कैसे चेंज हो रहा है, अभी मैं और भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। सिंपली इसका सिलेक्शन में ज़्यादा कर लेता हूँ कुछ इतना, और बीच वाले को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देख लो गाइस तो इसको थोड़ा कम ही कर लेता हूँ। अभी देख लो यहाँ से इसका सेचुरेशन भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से इसका लाइटन भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो गाइस कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से काम करता है ये, तो आप ये चीज़ें देख लेना अपना। फिर से मैं आऊँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर करूँगा सेट ऑलमोस्ट एलो में कर लेता हूँ, एलो एंड इसको थोड़ा सा आगे की ओर ले आऊँगा मैं, और ग्रीन को थोड़ा कम कर लेता हूँ इधर। अब मैं दिखाता हूँ इसका फेस ब्राइट करके, सेचुरेशन बढ़ाता हूँ, देखो सेचुरेशन तो बढ़ रहा है बट का जो फेस में वाइट करके दिखाऊंगा, देख लो गाइस फेस ब्राइट हो रहा है, बट हमारा बैकग्राउंड भी हमने कर लिया था यहाँ पर ऑरेंज कलर का, इसलिए मेरा फेस के साथ साथ बैकग्राउंड भी वाइट हो रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको एक एक करके सब कुछ करना है, बिल्कुल अच्छे से होगा। मैं कहता हूँ रिसेट, ओके। तो ये चीज़ें कर सकते हो। फिर से मैं इमेज पर आता हूँ, एड्रेस पर आता हूँ, एंड गाइस यहाँ पर और भी चीज़ है, चैनल मिक्सर देख लो यहाँ पर, तो चैनल मिक्सर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब आते हैं फिर से इमेज पर, टूल्स पर, देन गाइस यहाँ पर कर्व दिया, एक्सपोजर दिया है, यहाँ पर आपको लुकअप, कलर लुकअप दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ें मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, तो ये करता हूँ रिसेट। और यहाँ पर इतने सारे टूल्स हैं, लेयर्स पर आपको कुछ ऐसे डुप्लीकेट एंड स्टाइल बहुत सारे आपको यहाँ पर रिसेट मास्क है, वैक्टर मास्क है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही सारी चीज़ें हैं गाइस, तो मैं सब कुछ एक एक करके तो बता नहीं सकता, बस यहाँ पर आप एक एक करके अपना कर लेना। अभी देख लो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पर, रिमूव बीजी है, कलर रेंज है, मैजिक कट है, ऑब्जेक्ट है, रिफाइन एजेस है, मॉडिफाई, बहुत ही सारे टूल्स है। और गाइस इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लेगा, तो आप समझ रहे हो ठीक है। अब आपको यूज करना तो आप जाइए इस वाले वेबसाइट पर, आराम से यूज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कॉस्ट नहीं आपको लगने वाला है, बस आपको फोटो को यहाँ पर एडिट करना है आराम से, आपको बस ओपन भी करना है नेट से, क्या उसके बाद आप ऑफ कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिना नेट के भी चलता है, बस आपको ओपन करना है। अभी मैं दिखाऊंगा इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। सिंपली फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट एज पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे, PNG पर या फिर JPG, आपको जो सेलेक्ट करना है, तो मैं JPG करने वाला हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर फिर से फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ अपना, अगर मान लो मैंने ऊपर में गलती सेलेक्ट कर लिया तो मैं यहाँ पर JPG सेलेक्ट कर लूँगा अभी, तो गाइस JPG मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो इसका साइज़ है, क्वालिटी साइज़, यहाँ पर 100% मैं कर लूँगा,
एंड यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आपको एक ऐड वॉच करना पड़ेगा तब आपका डाउनलोड हो जाएगा, और ये करना पड़ रहा है अभी, पता नहीं पहले नहीं था अभी है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। गाइस ऐड खत्म होते देख लो ऊपर से डाउनलोड हो गया फोटो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो अब आप भी कर सकते हो। हाँ वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।